एंजाइम प्रोटीन का सबसे अहम ग्रुप है जो ये हयाती तौर पर फाल है। वो बायोकेमिकल हृदय मूल की कारकर्दगी में इजाफा करते हैं और हर किस्म के हृदय मूल के लिए मखसूस है। इन एंजाइम के बगैर हृदय मूल बहुत रफ्तार से आगे बढ़ेगा जिससे जिंदगी नामुमकिन हो जाएगी। इंसान सैकड़ों अमीनो एसिड पर मुश्तमिल होती है जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और अपने आप को एक ग्लोबुलर ढांचा बनाते हैं। अम्ले अंगेज सरगर्मी सांस के छोटे से सेतक में महदूद है जिसे फॉल साइट कहा जाता है। सबस्ट्रेट नामी रिएक्टेंट फॉल जगह से मुंसलिक होता है जिसमें सिर्फ चंद अमीनो एसिड होते हैं जबकि अमीनो एसिड का बाकी हिस्सा एंजाइम की ग्लोबुलर सांस को बरकरार रखता है। कुछ एंजाइम मुकम्मल तौर पर प्रोटीन पर मुश्तमिल होती है। दूसरों में एक नॉन प्रोटीन हिस्सा भी होता है जिसको को फैक्टर कहा जाता है जो एंजाइम के मुनासिब काम के लिए जरूरी है। को फैक्टर आमतौर पर एंजाइम और इसके सब सब्सट्रेट के दरमियान पुल के तौर पर काम करता है। अक्सर ये कीमियाई रेदेमल में बरास्त हिस्सा डालता है जिससे कैटालाइसिस होता है। बाद अवकात को फैक्टर कीमियाई तवनाई का अहम जरिया फ्राहम करता है जो रद्दे अमल पैदा करने में मदद करता है सूरत दीगर मुश्किल या मुमकिन होता है। कुछ इंजाइम दाती आयनों को फैक्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जैसे Mg2, Fe2, C2, Zn2। डिटैचेबल को फैक्टर को एक्टिवेटर कहा जाता है अगर ये गैर नमियाती आयन है। तस्वीर सब्सट्रेट मॉलिक्यूल फॉल मरकज पर सही तरीके से नहीं होंगे और कोई अमल तेज नहीं होगा जब तक को फैक्टर मॉलिक्यूल भी मौजूद ना हो। अगर गैर प्रोटीन का हिस्सा अंग से बंधा हुआ है तो इसे मस्नूई ग्रुप के तौर पर जाना जाता है। अगर ये प्रोटीन के हिस्से के साथ ढीले तरीके से मुंसलिक है तो इसे कोएंजाइम कहा जाता है। ये विटामिन से गहरा ताल्लुक रखता है जो इन जरूरी खाम माल की नुमाइंदगी करता है जिससे शरीक एंजाइम बनाए जाते हैं। विटामिन किसी थोड़ी सी मिकदार की जरूरत होती है क्योंकि एंजाइम की तरह को एंजाइम को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। एक एंजाइम जिसके को एंजाइम या मसनू ग्रुप का हटा दिया गया है को एपो एंजाइम कहा जाता है। एपो एंजाइम में सही को एंजाइम गाढ़ा को एंजाइम शामिल करने से एंजाइम की सरगर्मी बहाल हो जाएगी। पोली पेप्टाइड चेन को फैक्टर और मुश्तमिल एक फाइल एंजाइम वो एंजाइम के नाम से जाना जाता है। बहुत से एंजाइम आसानी से साइटोप्लाज्म में तहलील हो जाते हैं। कुछ एंजाइम जाती खुलियाती आर्गन के साथ मजबूती से जुड़े होते हैं। वो जिंदा खुलियों के जरिए अपनी पैदावार की जगह या इसके करीब इस्तेमाल के लिए तैयार किए जाते हैं। फोटोसिंथेसिस में अहम एंजाइम क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। एंजाइम जो खुलियाती तनफ्फुस में शामिल होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। कुछ एंजाइम जो प्रोटीन की तरकीब में शामिल हैं राइबोसोम का लाजमी हिस्सा है।